हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नाउन के अंतर्गत जेंडर पढ़ाऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। जो जेंडर शब्द होता है वो लैटिन भाषा के जेनस से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है काइंड यानी प्रकार या सार्ट। तो जो इंग्लिश में जेंडर होते हैं, जेंडर तीन प्रकार जेंडर होते हैं आपका। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। एक जेंडर और आता है जो कि इस समय आप देख सकते हैं, ट्रांसजेंडर। चलिए बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर को। मैस्कुलिन जेंडर वो होते हैं जो कि विच डिनोट्स मेल, जो मेल को बताते हैं। मेल आप पर्सन एनिमल, पर्सन या एनिमल के जो मेल को डिनोट करते हैं उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जो फीमेल को डिनोट करते हैं उन्हें हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। और जो बोथ यानी दोनों को डिनोट करते हैं उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। और जो दोनों को नहीं करते हैं, जो दोनों को मैस्कुलिन मेल और फीमेल दोनों को नहीं करते हैं वो कहलाते हैं न्यूट्रल जेंडर। और ट्रांसजेंडर जो कि एक अभी नया जेंडर है, जो कि एक स्पेशल जो मेल फीमेल नहीं है, दोनों नहीं है, ना तो मेल में उनको काउंट कर सकते हैं और ना ही फीमेल में काउंट कर सकते हैं, उनके लिए एक अलग जेंडर बना जो कि ट्रांसजेंडर होता है। तो चलिए मैस्कुलिन दैट डिनोट, जो डिनोट करते हैं डिनोट मेल, जो मेल को डिनोट करते हैं वो मैस्कुलिन हो गए, और ये डिनोट करते हैं किसको, फीमेल को। और कॉमन जेंडर बोथ, जो बोथ को मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों को डिनोट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉमन जेंडर। नाइदर ना तो नाइदर मेल ना फीमेल, नाइदर मेल और नाइदर नार फीमेल, ना तो मेल को और ना ही फीमेल को जो डिनोट करते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। ट्रांसजेंडर में एक अलग सा जेंडर है जो कि स्पेशली जो ट्रांस लोग हैं यानी जो हम कह सकते हैं हिजड़े लोग होते हैं, तो उनको इसमें ट्रांसजेंडर में रखा गया। तो चलिए इसमें बात करते हैं, जैसे मैन और यहां हो जाएगा वुमेन, मैन का वुमेन हो गया। इसके बाद आ गया गर्ल, यहां पर बॉय, गर्ल हम एक साथ लिखते चलते हैं इसको, हॉर्स मेयर डॉग बीच बुल काउ जेंट्स लेडीज, लेडी या लेडीज भी कह सकते हैं आप, जेंट्स है तो लेडीज कर दो। उसके बाद फादर मदर, इस तरह से आ जाएगा आपका ब्रदर सिस्टर, जो स्टूडेंट कॉमन जेंडर होता है इसमें। जैसे आपका टीचर, टीचर मतलब अब आप इसमें कोई भी लेडी टीचर भी हो सकती है और जेंट्स टीचर भी हो सकते हैं, तो टीचर, ऑफिसर्स, ऑफिसर, ऑफिसर हो गया आपका, फ्रेंड हो गया, एनिमी हो गया, दुश्मन हो गया, दोस्त हो गया, आगे और बात कर लेते हैं।
जो कॉमन नाउन होते हैं, जैसे बेबी हो गया, बेबी पता नहीं चलता है कि बेबी को ये मेल है या फीमेल है, तो इस तरह से इसका भी पता नहीं चलता है, कॉमन जेंडर में। और डॉक्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, क्लर्क हो गया, इसमें ढेर सारे ऐसे ही आ जाएंगे, क्लर्क हो गया, कंपटीटर हो गया, कंपटीटर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, ये कुछ ऐसे हैं, मॉनिटर हो गया, जो कि इसको मेल और फीमेल दोनों में हम पता नहीं कर सकते हैं, तो वो कहलाता है कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है, जो मेल फीमेल दोनों नहीं है उसमें, न्यूट्रल जेंडर में जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गई, स्कूल हो गया, मैट हो गया, कारपेट हो गई, सूज हो गए। तो इस तरह से ये मेल फीमेल को जो नहीं करता है, ना तो मेल रहता है ना तो इसमें फीमेल रहता है। तो चलिए इसमें तो आप जो किन्नर लोग हो गए, नपुंसक लोग उसमें आ जाते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे जो हैं, कुछ स्पेशल हैं जिनको अलग से बनता है, जैसे सेल्समैन को हम बनाएंगे सेल्स वुमेन, ऐसे बना सकते हैं, वुमेन सेल्स वुमेन हो गया, स्पोक्समैन को स्पोक्स वुमेन कर सकते हैं, सेल्स वुमेन या गर्ल भी लिख सकते हैं, सेल्स गर्ल लिख सकते हैं, स्पोक्समैन को स्पोक्स वुमेन लिख देंगे, स्पोक्समैन को स्पोक्स वुमेन हो जाएगा, चेयरमैन को चेयर पर्सन हो गया, चेयरमैन को चेयरमैन है तो चेयर पर्सन आप कर देंगे, चेयरमैन को चेयर पर्सन कर देंगे आप। अब देखिए कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि थोड़ा सा हट करके होते हैं, जो कि हम उन्हें ना तो ये समझने में कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इसे मेल कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे या फेमिनिन जेंडर में। तो जैसे आप देखेंगे कि सिप और कंट्री के नाम हमेशा सिप्स एंड कंट्रीज नेम, सिप और कंट्री के नेम हमेशा क्या रहते हैं, फेमिनिन जेंडर में आते हैं, फेमिनिन जेंडर में हम इसको रखेंगे। सिप्स और कंट्री के नेम जो होंगे उन्हें हम फेमिनिन जेंडर में रखेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे इसके बाद जो नाउंस एलिमेंट, जो नेचर प्रकृति के नाउंस हैं, जो कि क्या करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वॉयलेंस बताते हैं, जो स्ट्रेंथ एंड वॉयलेंस बताते हैं, वॉयलेंस को शो करते हैं, उन्हें हम मेल कहते हैं, यानी मैस्कुलिन जेंडर। जैसे इसमें देखिए, सिप में एक कंट्री में ले लें, इंडिया हैज हर हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये लिखा हुआ है, हिस्ट्री जो इंडिया हैज हर हिस्टोरिकल, जो ये हर है ना, ये क्या कर रहा है, ये कंट्री का नाम है और कंट्री का नेम है, इसलिए इसका फेमिनिन जेंडर में यूज किया गया। स्ट्रेंथ और वॉयलेंस को शो करने वाले जो नाउन है वो किस में रहेंगे, वे हो जाएंगे, जैसे स्ट्रेंथ में सन हो गया, सन देखता है, स्ट्रेंथ बताता है, समर बताता है, विंटर हो गया, डेथ हो गई, टाइम विंटर डेथ डेथ
डेथ के बाद टाइम हो गया, डेथ टाइम, ये कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे सन को अगर बात करें तो सन के लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे, जैसे सन द सन, द सन मूव्स ऑन हिज एक्सिस, तो ये एक्सिस हिज एक्सिस, ये हिज किसको, ये सन अपना मूव कर रहा है अपनी धुरी पे, तो हिज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सन जो है बॉयलेंस या स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे। ऐसे नाउंस जो ब्यूटी को दिखाते हैं, ब्यूटी चार या ग्रेस कह सकते हैं, ग्रेस ब्यूटी, ग्रेस जेंटिलनेस, जो जेंटिलनेस को शो कर रहे हैं, और जो एडमायरेशन है, एडमायरेशन को शो करने वाले जो नाम होते हैं ब्यूटी को, इनको हम हमेशा फेमिनिन जेंडर में रखते हैं, फेमिनिन जेंडर में से आप रखेंगे जो ब्यूटी को बताते हैं। जैसे इसमें क्या क्या हो गया, नेचर हो गई, अर्थ हो गया, अर्थ हो गई, नेचर हो गई, इसके बाद मून हो गया, स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग और ऑटम हो गया, पतझड़, पतझड़ हो गया, ऑटम हो गया, लिबर्टी हो गई, लिबर्टी हो गई, स्वतंत्रता, लिबर्टी स्वतंत्रता, इसके बाद पीस हो गया, होप हो गया, पीस, होप, पीस हो गया, होप हो गया, पीस, होप, चैरिटी, चैरिटी, ये कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि हमेशा किस तरह से यूज होते हैं, ये फेमिनिन जेंडर की तरह यूज होते हैं, तो आपको ये विशेष रूप से याद रखना है, सिक्स कंट्री के नेम किसमें फेमिनिन जेंडर में यूज होते हैं, जो नेचर या प्रकृति के एलिमेंट स्ट्रेंथ और वायलेंस को शो करते हैं उसे हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं, जैसे सन हो गया, समर, विंटर, डेथ, और इसके बाद जो ऐसे जो ब्यूटी को, ग्रेस को, ग्रेटनेस, जेंटलनेस को, एडमायरेशन को शो करते हैं, ऐसे नाम को हम क्या करते हैं, फेमिनिन जेंडर में काउंट करते हैं, नेचर, अर्थ, मून, स्प्रिंग, ऑटम, लिबर्टी, पीस, होप, चैरिटी, ये सब कुछ ऐसे नाम्स हैं जो कि फेमिनिन जेंडर में यूज होते हैं। तो चलिए आज स्टूडेंट इतना ही, आज अपना ख्याल रखिए, आगे अगला वीडियो तक के लिए इंतजार के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, हो गया।